तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, ये डेटा दिया गया है, एप्टीट्यूड स्कोर दिया है जो आपका XI है, फिर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दिया है जो आपका YI है, ओके। अभी इसके अंदर ना दो सब क्वेश्चन दिए गए हैं, एक में आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, दूसरे में आपको वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वो जो दोनों सब क्वेश्चंस है ना, उनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करेंगे, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, ठीक है। तो देखो, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई फाइंड करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें ना समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर चाहिए होगा, समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई, ये तीन चीजें हमको चाहिए होंगी, ठीक है। मतलब ये तीन का हमको अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, आपको क्वेश्चन नंबर 4 याद होगा जिसमें बड़े 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 नंबर्स दिए थे। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था, हम क्या करते हैं एक्स और वाई को यू और वी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम सेम वही करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो, अगर समझिए मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, मैं एक्स आई का स्क्वायर फाइंड आउट करते जाती हूँ, तो देखो कितने बड़े बड़े मुझे नंबर्स मिलेंगे, फिर हमारा कैलकुलेशन कितना, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, वैसे आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे यू आई के साथ, और इसको मतलब इसके प्लेस पे हम वी आई लिखेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, यहां पर लिख देते हैं बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन, बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इसमें क्या होगा, देखो यहां पर लिखेंगे यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस, अभी माइनस क्या करेंगे, तो देखो इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, आपको सही आंसर ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लूंगी 65, ओके। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी वी आई, अभी इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, देखो वाई आई में से मैं माइनस करूंगी, इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, आपकी मर्जी कौन सा ले, चलो 62 ले लेते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे 62 ले लिया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी यू आई और यहाँ पर लिखूंगी मैं वी आई, समझ में आया ना इतना, ओके। अभी चलो यहाँ पे हम माइनस करते जाते हैं और वैल्यूज लिखते जाते हैं। तो एक्स आई क्या है, 60 माइनस 65 कितना आएगा, माइनस 5 आएगा, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 5, फिर 62 माइनस 65 माइनस 3, 65 माइनस 65 इज इक्वल टू 0, 70 माइनस 65 प्लस 5, 72 माइनस 65 कितना होगा, 7 होगा, शायद से 7 ही होगा, एक बार देख लेते हैं, हाँ देखो 7 आया। 48 माइनस 65 तो कितना होगा, चलो एक बार करके देखते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 17, और ये किस में आएगा, माइनस में कि प्लस में, तो देखो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रही है, यानी ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 17, ओके। फिर उसके बाद 53 माइनस 65, तो इसको भी माइनस करके देखना पड़ेगा, 2, 1, 12 माइनस 12, फिर यहाँ पे 73 माइनस 65, तो 72 माइनस किया था तो 7 आया था, मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद 65 माइनस 65 इज इक्वल टू 0, एंड 82 माइनस 65, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 17, ओके। इतना समझ में आया, अभी हम वी आई फाइंड करेंगे। तो ये कैसे आएगा, देखो अभी वाई आई में से आपको 62 को माइनस करते जाना है, ठीक है। तो 68 माइनस 62 क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। देखो 8 में से 2 जाएगा, 6 सही है। फिर 60 माइनस 62 तो माइनस 2 आएगा, 62 माइनस 62 0, 80 माइनस 62 तो 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 6 गया 1, यानी कि 18,
ओके 18 हो जाएगा। उसके बाद 85 माइनस 62, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी 23। ओके एक बार फिर से देखते हैं, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गया 2, बराबर है। फिर 40 माइनस 62, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 2, यानी माइनस 22, ठीक है। 52 माइनस 62, तो 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 1, यानी माइनस 10। फिर 62 माइनस 62 0, 60 माइनस 62 माइनस 2, 81 माइनस 62 11 माइनस 2 9, और यहाँ पर 7 माइनस 6 1, राइट, 11 माइनस 2 9, 7 माइनस 6 1, क्या आया 19। ओके इतना समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट कॉलम किसका बनाएंगे, तो यू आई स्क्वायर का, क्योंकि देखो हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली थी, एक्स आई स्क्वायर की पड़ने वाली थी ना, लेकिन अभी हमने क्या किया है, देखो एक्स के प्लेस पे हम यू लिख रहे हैं, इसीलिए हम यू आई स्क्वायर का कॉलम एक बना देंगे, उसके बाद वी आई स्क्वायर का, ठीक है। तो अभी हम क्या करते जाएंगे, यू आई का स्क्वायर करते जाएंगे, 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 25, 3 का करेंगे प्लस 9, 0 का करेंगे 0, 5 का 25, 7 का 49, 17 का कितना होता है 289 होता है शायद से, चलो एक बार करके देखते हैं, 7 सा 49, 7 सा 7 11, 7 और यहाँ पे 1, 9, 8, हाँ 289, यहाँ पर हम लिख देते 289। उसके बाद 12 का 144, 8 का स्क्वायर 64, और 0 का तो 0 ही होगा, 17 का 289। ओके अभी हम क्या करेंगे, तो वी आई स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 2 का स्क्वायर कर देते हैं 4, 0 का 0, 18 का कितना होता है 324, 23 का, ये तो हमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना, इतने बड़े बड़े स्क्वायर तो हमको आते ही नहीं है, 529, 22 का 484, 10 का 100, 0 का 0, 2 का 4, 19 का क्या होता है 361, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अभी हमारा अगला कॉलम किसका बनेगा, तो देखिए हमको क्या चाहिए था, ये चाहिए था एक्स आई इंटू वाई आई, तो एक्स के प्लेस पे हम यू लिखेंगे, वाई के प्लेस पर वी लिखेंगे, तो लिख देते हम यहाँ पे UI into VI। तो अभी इसमें आप क्या करोगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाओगे, इन दोनों का ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाओगे, राइट। तो आप भी मल्टीप्लाई करो, मैं भी करती हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और फिर आप मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, उसके बाद मैं जो लिखूंगी ना उससे आप मिला लेना कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और सभी का टोटल भी कर दिया, देखो इसका टोटल कितना आता है 0, कैसे आया बताऊँ, देखो यहाँ पे आसान सी चीज़ बताती हूँ, माइनस 17 प्लस 17 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, उसके बाद माइनस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 प्लस 8 तो ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल, उसके बाद 5 और 7 प्लस 12 होगा, और ये है माइनस 12 तो प्लस 12 माइनस 12 ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल, तो और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, मतलब यहाँ पे क्या आया 0, समझ में आया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अभी मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि ये हमें ना दिखाना नहीं है, चलो ये तो हो गया। उसके बाद जब मैंने इसका टोटल किया तो मुझे क्या मिलता है 30, ठीक है। तो इसका टोटल आप कैसे करोगे, सुनो, जो माइनस वाले नंबर्स है ना उनको एक साथ लेकर के प्लस कर देना, फिर प्लस वाले जो नंबर्स है उनको एक साथ लेकर के प्लस करना, और फिर बाद में दोनों को सिंप्लीफाई कर देना, तो आपको आंसर मिलेगा 30, ठीक है, एक बार चेक जरूर करना। उसके बाद इसका टोटल करोगे तो 894, इसका करने पे 1842, और इसका करोगे तो कितना आता है 1000
44, समझ में आया इतना? ओके अभी हम लोग आगे क्या निकालेंगे, तो u बार और x बार फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, सबसे पहले हम u बार कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमको यहाँ पे n लिखना पड़ेगा। और देखो हमने इन दोनों कॉलम्स का टोटल नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी ही नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम क्यों करें, सही है ना। चलो n कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n यहाँ पे क्या है, 10 है, ठीक है। और समेशन ऑफ u कितना है, यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ, समेशन ऑफ u i 0, समेशन ऑफ v i 30, समेशन ऑफ u i स्क्वायर कितना है, u i स्क्वायर 894, एंड समेशन ऑफ v i स्क्वायर कितना है, 1842। और लास्ट में लिख देते हैं हम समेशन ऑफ यू आई इंटू वी आई 1044। ये सब हमको कहाँ से मिला, टेबल से मिला ना, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए फ्रॉम द टेबल, ओके। चलो अभी यू बार निकाल लेते हैं, तो यू बार का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन। तो समेशन ऑफ यू आई कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जीरो, एन कितना है 10, तो 0/10 कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0, लिख दीजिए 0, ये क्या हो गया u बार। अभी हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, तो v बार, तो यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ v बार। फॉर्मूला समेशन ऑफ वी आई अपॉन एन, वी आई कितना है, समेशन ऑफ वी आई 30, तो 30/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आया 30, ये क्या हो गया, देखो ये है आपका u बार और ये है आपका v बार, ठीक है। अभी हम यहीं पे ना x बार और y बार भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x बार आपको कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको लिखना है u बार, अभी x में से माइनस किसको किया था आपने, यहाँ पर ये देखो किसको माइनस किया था, 65 को ना, तो यहाँ पे आप इसको कर दोगे प्लस, तो u बार कितना है, 0 है, ये हो गया 65, तो 0 प्लस 65 इज इक्वल टू कितना आएगा, 65 ही आएगा, यानी x बार क्या मिला हमको, 65। वैसे ही हम y बार भी निकाल लेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, v बार प्लस, माइनस किसको किया था, 62 को, तो इसमें हम 62 को कर देंगे प्लस, तो y बार इज इक्वल टू, v बार कितना आया है, 3 प्लस 62, यानी y बार इज इक्वल टू 65, तो यहाँ पे आपको लिखना है 65, ओके इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, कोवेरियंस, ओके। तो कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v, देखो पहले क्या आता था, x और y आता था, राइट, लेकिन अभी हमने क्या किया है, x और y के प्लेस पर ये दोनों को लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पे u और v लिखेंगे, ठीक है। और ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखो जब हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हमको वहाँ पे एक्स बार और वाई बार चाहिए होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते कि एक्स बार की जगह पे आप यू बार लिख दो और जो वाई बार है उसकी जगह पे वी बार लिख दो, उसमें चेंज नहीं होता है, हमेशा ध्यान में रखना है कि उसमें कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक्स बार की जगह पे एक्स बार ही आएगा, वाई बार की जगह पे वाई बार ही आएगा। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ क्या आता है, एक्स आई और वाई आई, तो यहाँ पे यू और वी है ना, तो क्या आएगा, यू आई वी आई माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, यू बार वी बार, तो 1/ एन कितना है, 10 है, इंटू समेशन ऑफ यू आई वी आई 1044 माइनस यू बार 0 वी बार 3, तो 1/ देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1044 हो जाएगा, अपॉन 10 माइनस 0 इंटू 3 0, यानी कोवेरियंस कितना आया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 104.4, ओके। तो ये हो गया आपका कोवेरियंस। अभी नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वेरियंस, क्योंकि देखो जब हम बी वाई एक्स और बी एक्स वाई फाइंड आउट करते हैं तब हमको वेरियंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, तो वेरियंस, ओके। चलो
यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे किसका, वैसे तो हम एक्स और वाई का निकालते हैं लेकिन हमने एक्स और वाई को चेंज किया है, यानी यहाँ पे हम यू का निकालेंगे। तो फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार का स्क्वायर। तो 1/n कितना है 10 इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर कितना आया है 894, यहाँ पे लिख दिया 894 माइनस यू बार कितना 0। ओके तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, यहाँ पे 894 अपॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब वेरिएंस ऑफ u कितना आएगा अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 89.4, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 89.4, ये क्या हो गया वेरिएंस ऑफ u। अभी हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, तो वेरिएंस ऑफ v चलो कर लेते हैं। वेरिएंस ऑफ v इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n समेशन ऑफ v i स्क्वायर माइनस v बार का स्क्वायर। तो 1/n कितना है 10 इंटू समेशन ऑफ v i स्क्वायर कितना आया था, यहाँ पे देखिएगा 1842 है ना, चलो लिख देते हैं यहाँ पे 1842 माइनस v बार कितना था 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1842 अपॉन 10 माइनस 3 इज 9, ओके, और इसको डिवाइड करेंगे तो 184.2 माइनस 9। चलो अभी इसमें से हम 9 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा आंसर 184.2 यहाँ पे 9, ओके। तो 2 14 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12 13 14 5 और यहाँ पे 7 175.2, ये क्या हो गया वेरिएंस ऑफ वी। तो इसको भी आप एक बॉक्स में करते जाइए। देखिए अगर आप बॉक्स में करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमें इन वैल्यूज की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है ना, तो आपको ढूंढना ना पड़े, इसीलिए ऐसे करके बॉक्स में आप करते जाओगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये जो है ना ये टेबल इसको मैं मिटाने वाली हूँ, इसीलिए अगर आपको ये लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है ना तो आप ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ करने वाली हूँ। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो रिग्रेशन को एफिशिएंट, चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ बी यू वी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरिएंस, फिर नीचे क्या आता है वेरिएंस आता है। अबे यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है वी है ना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा वेरिएंस ऑफ वी। तो कोवेरिएंस कितना है 104.4, वेरिएंस ऑफ वी कितना है 175.2। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों पॉइंट कैंसल हो जाएंगे क्योंकि इधर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है और नीचे भी एक नंबर के बाद ही पॉइंट है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1044 अपॉन 1752, ठीक है। अभी आगे इसका आंसर क्या आएगा वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन मैं नहीं करके दूंगी, ये आप लोग करो और बताओ कि यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लिखते हैं बी वी यू, ठीक है। फॉर्मूला कोवेरियंस, नीचे आता है वेरिएंस, तो किसका आएगा लास्ट में क्या है यू है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा वेरिएंस ऑफ यू। कोवेरिएंस कितना है 104.2 एंड वेरिएंस ऑफ यू कितना है 89.4, ओके। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आया 104, यहाँ पे क्या आएगा 42 नहीं 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया है, 4 आएगा, ओके। तो 1044 अपॉन 894, ठीक है। अभी आप एक काम करो, आराम से इसका आंसर कैलकुलेट करो और इसका आंसर बताओ कि कितना आता है, ठीक है। आप भी करिए, मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है 0.59, अगर आपने ये कैलकुलेशन किया होगा तो आपको समझ में आता रहेगा। फिर यहाँ पे क्या आया 1.16, मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली जैसे मैंने लिख दिया वैसे मत लिखना, ये कैलकुलेशन आप खुद से अपनी नोटबुक में लेकर के सॉल्व करना क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तभी आप क्या करोगे, इसीलिए आपको पहले से ना पूरी प्रैक्टिस करके रखनी है, ओके। तो इसका आंसर आता है ये, इसका आंसर आता है ये। अभी ध्यान से सुनो, जब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं तो वहां पर हमको जरूरत पड़ती है किसकी, बी एक्स वाई की और बी वाई एक्स की, राइट। लेकिन हमारे पास तो ये दोनों है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बी एक्स वाई और बी
एक्स वाई बी वाई एक्स, ठीक है, दोनों फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या हमको अलग से कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं, हमें यहाँ पे अलग से कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बी यू वी, ये आपका क्या है बी एक्स वाई है, और ये आपका क्या है बी वाई एक्स, ठीक है। तो ये लिखने के पहले आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट डजंट अफेक्ट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब जब हम ओरिजिन को चेंज करते हैं ना, तो इसके ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी यू वी, जो कितना है 0.59। ओके, समझ में आया। उसके बाद यहां पर लिखिए देयरफॉर, देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी वी यू, जो कितना है 1.16। समझ में आया आपको इतना। तो अभी लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, चलो फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर अब मैं लिखूंगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर क्या आएगा बी वाई एक्स, यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। देखो इधर क्या है वाई है ना, तो वाई माइनस वाई बार आएगा, इधर क्या है एक्स है ना, तो एक्स माइनस एक्स बार आएगा, राइट। अभी यहां पर देखिए वाई माइनस वाई बार कितना आया था, तो 65 आया था, राइट। देखो y बार 65, तो यहां पर हम लिख देंगे 65 इज इक्वल टू बी वाई एक्स, कितना है बी वाई एक्स, ये देखिए 1.16, x माइनस x बार कितना है 65। अभी क्या करें, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इस ब्रैकेट में, तो 1.16 x हो जाएगा यहाँ पे माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो चलो करके देखते हैं। 5 6 30 5 1 5 5 1 6 6 36 6 1 6 6 1 6 0 4 15 7 5 4 0, पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला 75.4। पॉइंट के बाद जीरो है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, इस माइनस 65 को उस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1.16x माइनस 75.4, और ये माइनस में है ना, उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस 65। तो आप एक काम करो, इसमें से इसको माइनस करो, चलो माइनस करते हैं, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, 0 4 0 और यहाँ पर 10 10.4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, देखो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1.16x माइनस यहाँ पे क्या आया था 10.4, ये आपका क्या हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y और x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1.16x माइनस 10.4 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्यों इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमको आगे पढ़ने वाली है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, कौन सा, x ऑन y, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां पर क्या आएगा बी एक्स वाई, फिर इस ब्रैकेट में क्या आएगा, लास्ट में क्या है y है ना, तो y माइनस y बार आएगा, और यहां पर क्या आएगा, तो x माइनस x बार आएगा, राइट। अभी
यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार कितना था, तो x बार था 65। फिर bxy कितना है, ये देखिए यहाँ पे 0.59, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.59। उसके बाद y माइनस y बार कितना था 65, ठीक है। अभी इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.59 y माइनस, अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 0.59 इंटू 65, 5 9 45, 5 5 25, 6 9 54, 6 9 54, ओके, 6 5 30, 5 9 4 13, 8 क्या आएगा 38.35 लिख देते हैं यहाँ पर, 38.35, ओके, इतना समझ में आया। अभी 65 को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 0.59 y माइनस 38.35 माइनस 65, इधर आने के बाद प्लस 65 हो जाएगा, उसके बाद x इज इक्वल टू 0.59 y 65 माइनस 38.35 करते हैं, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 2, क्या आया 26.65, ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी। अच्छा, अभी ये जो आंसर है ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो देखिए ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना वैसे ही, एक्स इज इक्वल टू 0.59 y प्लस 26.65 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, और इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसकी भी जरूरत हमको आगे पढ़ने वाली है, ठीक। अब फाइनली हम अपने दोनों सब क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं, ये है आपका सब क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका सब क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन देखेंगे, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, चलो देखते हैं। द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95, तो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स मतलब क्या है, वाई, ओके, और टेस्ट स्कोर मतलब क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू दिया गया है और आपसे वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू है 95 तो आप वाई का वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ पे कौन से इक्वेशन का यूज करोगे। देखो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वाई का वैल्यू निकालना है ना, मतलब आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वाई है ना, और आपको वाई का वैल्यू भी निकालना है, इट मीन्स आप ये वाला फॉर्मूला मतलब ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 95 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, वाई इज इक्वल टू 1.16 इंटू, एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 95, तो यहां पे लिख देते हैं 95 माइनस 10.4। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो 116 95, 5 6 30, 5 1 5, 5 1 5, 9 6 54, फिर 9 1 9 14, 9 1 9 10, 0 2 10 1 1, कितना आया, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पर, यानी 110.20, चलो लिख देते हैं हम यहाँ पे 110.2, और ये जो जीरो है ना ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, माइनस 10.4। अब ये काम करते हैं, तो इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, चलो माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 9 में 0 जाएगा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 99.8, ओके, देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 99.8, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है।
तो जैसे हमने इसको किया वैसे ही उसको भी करना है। देखो इसमें क्या दिया गया है, द टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75। यानी अभी इसमें आपको ना प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कितना दिया है, 75 दिया है, तो आपको टेस्ट स्कोर बताना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, वाई का वैल्यू दिया गया है आपको, एक्स का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, देखो आपको फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में इस इक्वेशन में है, इट मीन्स आप ये वाले इक्वेशन का यूज करोगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वाई इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू 0.59 इन टू, वाई के प्लेस पे क्या लिखना है, 75 प्लस 26.65। ओके, अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं करती हूँ 59.75, 59 45, 5 5 ज़ा 25, 7 9 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35। ओके, 35 और 6 41, 5 9 10 11 12 4 4, 44.25। ओके, यहाँ पर क्या आया, 44.25 प्लस 26.65। अभी इसमें हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है 26.65। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे 1 और 0, 4 प्लस 2 6, 70.9। ओके, देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 70.9। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यानी अगर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स 75 रहेगा तो टेस्ट स्कोर कितना होगा, 70.9। और यहाँ पे देखो, अगर जो आपका टेस्ट स्कोर है अगर वो 95 रहेगा तो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कितना होगा, 99.8। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो लास्ट में आंसर भी आपको लिखना होता है ना, स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे, देखो दे आर फॉर द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर, ऑफ अ वर्कर विथ अ टेस्ट स्कोर ऑफ 95 इज, कितना आया है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, 99.8। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 99.8। ओके, तो ऐसे आपको लास्ट में ना स्टेटमेंट में आंसर लिखना चाहिए। वैसे ही आप यहाँ पे भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो दे आर फॉर द टेस्ट स्कोर इज कितना आया, 70.9 व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5th पूरा कंप्लीट हो गया है ना, थोड़ा सा लेंथी था पर ये हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि जो मैथ होता है ना ये पूरा के पूरा बेस्ड होता है किसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये डेटा दिया गया है, एक्स दिया है और वाई दिया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यानी इस डेटा के लिए आपको एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आप यहाँ पे वाई ऑन एक्स निकालो या फिर एक्स ऑन वाई निकालो, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ये आप खुद से डिसाइड करोगे कि आपको यहाँ पर वाई ऑन एक्स फाइंड करना है या फिर एक्स ऑन वाई, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो सुनिएगा ध्यान से, वाई क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स क्या है आपका
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कौन से रिग्रेशन इक्वेशन में वाई होता है डिपेंडेंट और एक्स होता है इंडिपेंडेंट, किस में? मैंने आपको जो हमारा पहला वीडियो था ना उसमें मैंने आप लोग को बताया था, जब मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी तो वहां पे मैंने बताया था कि वाई ऑन एक्स जब होता है ना तो वाई इसमें क्या होता है डिपेंडेंट और एक्स क्या होता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि वाई ऑन एक्स मतलब वाई का वैल्यू हम निकाल रहे हैं एक्स को बेस मान के, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपका क्या हो गया डिपेंडेंट, यानी वाई है डिपेंड किसके ऊपर, इस एक्स के ऊपर, तो ये आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट। तो आप यहाँ पे कौन सा इक्वेशन निकालोगे, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, समझ में आया? ओके चलो, अभी हमको वाई ऑन एक्स निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी हमको कौन कौन से कॉलम्स अभी और बनाने पड़ेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। एक तो हमको ये चाहिए होता है, और दूसरा क्या, दूसरा हमको ये चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पे हम एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बना देंगे और एक्स आई इंटू वाई आई का बना देंगे। यहाँ पर आपको यू और वी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि देखो ना, ये छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं तो इनका कैलकुलेशन तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक्स आई का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स आई इंटू वाई आई, ठीक है। अभी एक्स आई स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर मैं करते जाऊंगी। देखो ये क्या है आपका एक्स आई है और ये है आपका वाई आई, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 6 का करेंगे तो 36, 8 का करेंगे तो 64, 11 का स्क्वायर किया तो 121, ठीक है। अभी एक्स आई इंटू वाई आई यानी इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो देखो 18 टू जा क्या हो जाएगा 36, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 10 50, 6 इंटू 8 48, 8 इंटू 7 तो 56, 11 इंटू 5 55। अब क्या करना है, तो हमें सभी का टोटल कर लेना है, राइट। तो आप भी करो, मैं भी करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सभी कॉलम्स का टोटल कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम द टेबल एन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6, समेशन ऑफ एक्स आई 36, समेशन ऑफ वाई आई 60, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 266, और लास्ट में यहाँ पे स्क्वायर आएगा 293। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, तो x बार और y बार। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स आई कितना है 36, n है आपका 6, 6 वन जा 6 जा, यानी x बार कितना आ गया 6 आया। अभी y बार हम फाइंड कर लेंगे, तो फॉर्मूला समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन, तो समेशन ऑफ वाई आई 60 है और एन है आपका 6, तो 6 वन जा 6 यानी वाई बार कितना आया 10 आया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, तो कोवेरियंस, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, फॉर्मूला 1 अपॉन एन समेशन ऑफ क्या आता है यहाँ पे एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार और वाई बार, फिर 1 अपॉन एन कितना है 6, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई कितना है 293, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 293 माइनस एक्स बार 6 और वाई बार 10। अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 293 अपॉन 6 और उसके बाद 16 जा 60। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो देखिए 293 माइनस 6 जा 36 अपॉन 6, माइनस करो तो 360 में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 करने पे 7 आएगा और 15 माइनस 9 करने पे यहाँ पे 15 हो जाएगा 6 आएगा, राइट। माइनस में माइनस 67 अपॉन 6, ठीक है। तो आप इतना ही रहने दीजिए, इसके आगे आप सॉल्व मत करिए, ठीक है। वैसे आप आगे करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना पॉइंट में आंसर आएगा,
तो पॉइंट में आने से अच्छा है कि आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी कोवेरियंस आपको क्या मिला है, -67 अपॉन 6, ठीक है। अभी हम लोग वेरियंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेरियंस हम किसका निकालेंगे, एक्स का। ओके, फॉर्मूला 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 1 अपॉन 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आया था, ये देखिए 266 माइनस एक्स बार 6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 266 अपॉन 6 माइनस 6 6 जा 36। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो 266 माइनस 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 3 जा 18, 19 20 21 अपॉन में 6, ठीक है। अभी माइनस करो तो 266 माइनस 216, तो 6 माइनस 6 0, यहाँ पे 5, ओके क्या आएगा 50, ठीक है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ, ये अपॉन में 6 है, आंसर क्या आया 50, 50 अपॉन 6, ये क्या हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। इसको भी आप एक बॉक्स में कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कोवेरिएंस निकाल लिया और क्या निकाला है, वेरिएंस निकाला है, राइट। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो बी वाई एक्स मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर लिखते हैं बी वाई एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस और अपॉन में क्या आता है, वेरिएंस। तो यहाँ पे किसका वेरिएंस आएगा, एक्स का। तो वेरिएंस ऑफ एक्स लिखेंगे हम यहाँ पर, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो कोवेरिएंस कितना आया है, ये देखिए यहाँ पर -67 अपॉन 6, -67 अपॉन 6 अपॉन वेरिएंस कितना आया है, ये देखिए 50 अपॉन 6। तो क्या होगा यहाँ पर, 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -67 अपॉन 50। ओके, समझ में आया आपको कि मैंने क्यों बोला था कि आप 6 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं आपको कुछ पॉइंट में आंसर मिलता है ना, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाता। तो इससे अच्छा है हमने क्या किया, 6 को इधर रहने दिया, इसमें भी ऐसे ही रहने दिया, और फिर दोनों को लास्ट में जा करके कट कर दिया, ठीक है। अभी इसको आप डिवाइड करो, तो चलो हम डिवाइड करते हैं, आप भी करिए अपनी नोटबुक में फटाफट से, मैं भी करती हूँ। तो ये देखिए जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिला, -1.34, ठीक है, समझ में आया। ये क्या हो गया आपका बी वाई एक्स। अभी हम लोग फाइनली रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए यहां पर अभी मैं लिखूंगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी वाई एक्स इस ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा, वाई माइनस वाई बार। ओके, अभी देखो वाई माइनस वाई बार कितना है, वाई बार है 10। बी वाई एक्स -1.34 और एक्स माइनस एक्स बार कितना है 6। फिर यहाँ पर आएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 1.34, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो -1.34x आएगा माइनस। अभी देखो -1.34 इंटू -6 मतलब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, अभी प्लस आएगा। अभी 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 3 जा 18, 19 20, 6 1 जा 6 2 8, पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 8.04, ठीक है, समझ में आया। अभी इस 10 को उधर ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू -1.34x प्लस 8.04, -10 उधर जाने के बाद +10 हो जाएगा। अभी दोनों को प्लस कर देते हैं, इट मीन्स आपको फाइनल आंसर देखो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -1.34x प्लस
इन दोनों को प्लस करने पे क्या आता है 18.04। तो ये आपका क्या हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस 1.34x प्लस 18.04 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये देखिए, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक्स दिया है, वाई दिया है, और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। आपको यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है वाई ऑन एक्स। तो कैसे करेंगे सोचिए, अभी तक आप 6 सम कर चुके हो, तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखिए और सोचिए क्या करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे यू आई लिखेंगे, यहाँ पर वी आई। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ये कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, और अगर समझिए मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कितने बड़े बड़े वैल्यूज मिलेंगे, फिर उनका टोटल करो तो और भी बड़ा नंबर मिलेगा, है ना। तो कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको ईजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू आई लिखेंगे, यहाँ पर वी आई लिखेंगे। समझ में आया ना, तो चलो करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन, ओके, बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यू आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस, अभी माइनस क्या करेंगे हम, इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो आपकी मर्जी, 61 को ले लेते हैं। फिर वी आई इज इक्वल टू, इसमें से हम देखो वाई आई में से किसको माइनस करेंगे, तो इसमें से आप कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी ले लीजिए, चलो 81 ले लेते हैं। ठीक, ये आपका एक्स आई है, ये आपका वाई आई है, ठीक है, वाई आई, यहां पर क्या आएगा यू आई, और यहां पर वी आई। ठीक है, तो इसमें देखते जाइएगा, एक्स आई माइनस 61 करना है ना, तो 59 माइनस 61 करिए कितना आएगा, तो 59 60 61, यानी माइनस 2। फिर 60 माइनस 61 कर दीजिए तो माइनस 1 आएगा, 61 माइनस 61 0, 62 माइनस 61 1, 63 माइनस 61 तो 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, तो वाई आई माइनस 81, 78 माइनस 81 करेंगे तो 78 79 80 81, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3। ओके, 82 माइनस 81 तो प्लस 1 आ जाएगा, 82 माइनस 81 प्लस 1, 79 माइनस 81 तो 79 80 81, माइनस 2 आएगा, 81 माइनस 81 0। ओके, इतना क्लियर है। अभी अगला कॉलम हम किसका बनाएंगे, तो देखो जब भी हम y ऑन x निकालते हैं तो हमको ये चाहिए होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अभी एक्स आई के प्लेस पे हम क्या ले रहे हैं, u ले रहे हैं, यानी किसका कॉलम बनेगा, तो यू आई स्क्वायर का। फिर अगला, तो अगला बनेगा यू आई इंटू वी आई का। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 2 इंटू 0 0। ओके, अभी क्या करना है, तो सभी का टोटल करना है। किस किस कॉलम का हम टोटल करेंगे, तो इसका 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 इसका, इन दोनों का नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 और 2 3, यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 0, समझे। यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 तो क्या आएगा, माइनस 3। यहाँ पे 4 1 5 6, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 6, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हमको मिली हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम द टेबल। टेबल से हमको क्या क्या मिला, सबसे पहले n का वैल्यू लिखेंगे,
1 2 3 4 5, एन कितना है 5, समेशन ऑफ यू आई 0, समेशन ऑफ वी आई -3, फिर समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर 10, उसके बाद समेशन ऑफ यू आई इंटू वी आई 3। ओके, इतना समझ में आया। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, तो यू बार और वी बार। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी यू बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ यू आई अपॉन एन। तो समेशन ऑफ यू आई कितना आया है 0, यहाँ पर लिख देंगे 0/5 इज इक्वल टू 0, यानी यू बार आपको क्या मिला 0 मिला। उसके बाद हम वी बार निकाल लेंगे, तो समेशन ऑफ वी आई अपॉन एन, समेशन ऑफ वी आई कितना है -3, -3/5, तो क्या आया, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो -0.5 × 30 होता है, यानी -0.6, ये क्या हो गया वी बार। अभी हम यहाँ पे एक्स बार और वाई बार भी निकाल लेते, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा वी यू बार प्लस, प्लस किसको करेंगे, तो माइनस क्या किया था 61 माइनस किया था ना, तो इसको हम प्लस कर देंगे, यू बार कितना है 0 प्लस 61 इज इक्वल टू 61, ये हो गया आपका एक्स बार। फिर वाई बार निकाल लेते हैं, तो वाई बार इज इक्वल टू वी बार प्लस, माइनस किसको किया था 81 को, तो इसमें 81 को प्लस कर देंगे, तो वी बार कितना है -0.6 प्लस 81। चलो अभी 81 में से इसको माइनस करो, तो कितना आएगा 0.6, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 0, 80.4। ओके, तो वाई बार इज इक्वल टू 80.4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो कोवेरियंस, उसके बाद वेरियंस, फिर क्या फाइंड करेंगे, तो बी वाई एक्स, और लास्ट में हमको क्या निकालना रहेगा, तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कोवेरियंस यू और वी, 1/n समेशन ऑफ यू आई इंटू वी आई माइनस यू बार इंटू वी बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/n कितना है 5 इंटू समेशन ऑफ यू आई वी आई कितना आया है ये देखें यहाँ पे 3, तो लिख देते हैं हम 3 माइनस यू बार 0 वी बार -0.6। उसके बाद देखिए कोवेरियंस यू कॉमा वी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 × 3 करेंगे तो 3/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.56 का क्या होता है 30, यानी 0.6, ये क्या आया कोवेरियंस। अभी हम लोग वेरियंस फाइंड करेंगे, तो किसका यू का, फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार का स्क्वायर। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1/5 इंटू यू आई स्क्वायर कितना आया है ये देखो 10, समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर कितना है 10 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 10 माइनस यू बार कितना 0। ओके, तो अभी देखिएगा वेरियंस कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है राइट, और 1 × 10 करेंगे तो 10/5, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, यानी वेरियंस कितना आया 2। देखो कोवेरियंस कितना आया है 0.6 और वेरियंस कितना आया है 2। अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो बी वाई एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, वेरियंस किसका, तो यहाँ पर क्या आएगा यू वी और यू आएगा। ठीक है, बाद में अभी हम लिखेंगे बी वाई एक्स बाद में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बी वी यू अपॉन में वेरियंस आ जाएगा, तो कोवेरियंस कितना है 0.6 और वेरियंस कितना है 2। एक काम करो पॉइंट हटाओ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 यहाँ पे 20, यानी आंसर हमको क्या मिलेगा, तो 0.20 × 3 ओके क्या होता है 60, यानी देखो बी वी यू कितना आया 0.3। अब हमको पता है, क्या पता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन
कोएफिशिएंट डजंट अफेक्ट बाई चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन. सो देयर फॉर बी वाई एक्स क्या होगा, बी वी यू जो कितना आया है 0.3. ठीक है, इतना समझ में आया. अभी हम लोग लास्ट में क्या फाइंड करेंगे, तो रिग्रेशन इक्वेशन. तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स. तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा बी वाई एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पर ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार. ओके, तो देखते जाइए वाई माइनस वाई बार कितना है 80.4 इज इक्वल टू बी वाई एक्स 0.3, एक्स माइनस एक्स बार कितना 61. आगे का तो आप कर ही सकते हो, क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और फिर बाद में इसको उधर लेकर के जाओगे, फिर आपको लास्ट में मिल जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन. तो चलिए कर देते इसको भी फटाक से. देखो y माइनस 80.4 इज इक्वल टू 0.3 इंटू एक्स, तो 0.3x माइनस यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो 0.3 इंटू 61 करेंगे तो 3 वन जा क्या होता है 3, और 3 सिक्स जा क्या होता है 80. पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो एक नंबर के बाद यानी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 18.3. अभी इसको आप उधर ले लो तो y इज इक्वल टू 0.3x माइनस 18.3, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 80.4. ओके, अभी क्या करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे. चलिए फटाक से कर देते हैं 80.4 माइनस 18.3, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 यानी 62.1 लिख देते हैं हम. देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.3x प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, यानी यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको प्लस में, प्लस 62.1 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान है. यहाँ पे आपको दोनों लाइंस बताने हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x और x on y भी बताना है. ठीक है, और आपको ये डेटा दिया गया है, x दिया है y दिया है. ठीक, तो यहाँ पे आपको u और v लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेशन तो बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे. तो बताइए किस किस का हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाएंगे. तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम बनेगा एक्स आई स्क्वायर, उसके बाद वाई आई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक्स आई इंटू वाई आई. और मैं तो आपको बोलूँगी कि आप ये जो क्वेश्चन है ना खुद से करिए, पहले आप खुद से सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है फिर आप इस वीडियो को देखना. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे. अगर आपको पहले के क्वेश्चन समझ में आए ना तो इसको तो आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे. चलो करती हूँ मैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. अब इसका स्क्वायर करते जाते हैं तो 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 11 का 121, 13 का 169. अभी मल्टीप्लिकेशन करना है हमें इन दोनों का. 5 ये देखो 1 इंटू 5 तो 5, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 11 44, 5 इंटू 13 3 5 ज़ा 15, 3 सॉरी 5 3 ज़ा 15. ओके, 1 कैरी,
5 × 5 = 165, क्या आ गया 65। अभी सबका हम टोटल कर देते हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 10 + 5 = 15, यहाँ पर 7 + 5 = 12, 12 + 12 + 12 + 1 = 13, 3 कितना हो गया 13 × 3 = 16, 16 + 9 = 25, और 2 आ गया कैरी, 1, 2 + 2 = 45। ओके अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 1 + 4 = 5, 5 + 9 = 14, 14 + 6 = 20 + 5 = 25, 1, 3, 4, 5 यहाँ पे आ गया 55। ठीक है अभी इसका टोटल करते हैं, तो 9 + 5 = 14, 1 = 15, 16 + 9 = 25, 6, 8, 6 + 8 = 14, 15, 16, ओके 16 + 6 = 22 + 2 = 24, 1, 2 + 2 = 445। अभी इसका टोटल करते हैं, 5 + 4 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 4 क्या हो जाएगा 20 + 5 = 25। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 3 + 4 = 7, 7 + 6 तो 7, और यहाँ पे कैरी भी है इसको हमें भूलना नहीं है, तो कितना आया था 7 + 6, 6 + 6 = 12, 13, 14, 15 यहाँ पे आ गया 155। ओके तो जो कुछ भी हमको टेबल से मिला है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम द टेबल एन कितना है 1, 2, 3, 4, 5 समेशन ऑफ एक्स आई 15, समेशन ऑफ वाई आई 45, फिर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 55, समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर 445, फिर समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई 155। ठीक है अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम, तो एक्स बार और वाई बार याद रखो, ठीक है अभी तक तो याद भी आपको हो गया होगा, सबसे पहले एक्स बार और वाई बार, तो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, एक्स आई कितना है समेशन ऑफ एक्स आई 15 अपॉन 5, तो 5 × 3 का क्या होता है 15, यानी एक्स बार आ गया 3, उसके बाद वाई बार, तो वाई बार कितना आएगा समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई आई कितना है ये देखिए 45, तो यहाँ पर लिखा 45 अपॉन 5, 5 × 9 = 45, यानी वाई बार क्या आ गया 9 आ गया। अभी उसके बाद हम कोवेरियंस फाइंड आउट करेंगे, तो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई फॉर्मूला आपको पता है 1 / n समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार और यहाँ पे आता है वाई बार, ठीक है तो 1 / n कितना है 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई 155, फिर माइनस एक्स बार है 3 वाई बार है 9, तो क्या हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल करो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 यानी 31 माइनस 9 × 3 = 27 यानी कितना हो जाएगा 27, 28, 29, 30, 31 यानी 4, तो कोवेरियंस कितना आ गया कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है इसको एक बॉक्स में कर देते हैं, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो वेरिएंस यहाँ पर मैं लिखूंगी वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर्मूला 1 / n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है तो 1/5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आया था यहाँ पर देखिए 55, तो लिख देते हैं हम एक्स बार 3 इसका स्क्वायर, तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 तो 11 − 3, 3 = 9 यानी वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया 9, 10, 11 यानी 2 आया, ठीक है तो वेरिएंस ऑफ एक्स भी आ गया। अभी उसके बाद हम वेरिएंस ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार,
का स्क्वायर, ठीक है। अभी 1/5 इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर कितना है, 4, 4, 5 माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो y बार है 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 5 से कैंसिल करो, 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 89 माइनस 9 9 ज़ा 81। ओके चलो माइनस करते हैं, 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 0, यानी वेरिएंस ऑफ y कितना आया, 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा नीचे कि वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 8, ठीक है, और इसको एक बॉक्स में हम कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी वाई एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, को वेरियंस अपॉन वेरियंस होता है ना, तो को वेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ x, ठीक है। तो कोवेरियंस कितना आया है, यहाँ पर देखिएगा 4 आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। वेरियंस ऑफ x कितना आया, 2, तो 2 1 2 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
अभी हम यहाँ पे बी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला कोवेरियंस, फिर अपॉन में क्या आएगा, वेरियंस ऑफ वाई, तो कोवेरियंस है 4, वेरियंस ऑफ वाई कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो 8 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 0.5, है ना, देखो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दूंगी, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 सा क्या होता है 10, यानी यहाँ पे क्या आया 0.5, समझ में आया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, तो रिग्रेशन इक्वेशंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी वाई एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा x माइनस एक्स बार, यहाँ पर क्या आएगा y माइनस वाई बार, ठीक है, तो y माइनस वाई बार कितना आया था 9, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे इज इक्वल टू बी वाई एक्स, कितना आया है 2, x माइनस एक्स बार 3, तो यहाँ पर y माइनस 9 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x में कर दीजिए 2x माइनस 2 3 ज़ा 6, 9 को उधर ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 9 हो जाएगा, मतलब लास्ट में देखो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x और माइनस 6 प्लस 9, तो प्लस 3 हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका पहला रिग्रेशन इक्वेशन। अभी उसके बाद हम दूसरा वाला निकालेंगे, तो यहां पर अभी हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा वाई माइनस वाई बार, यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार कितना था 3 था, यहाँ पर लिखते हैं 3 इज इक्वल टू बी एक्स वाई 0.5, वाई माइनस वाई बार कितना 9, ठीक है, फिर एक्स माइनस 3 0.5 वाई हो जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 0.5 इंटू 9 करेंगे तो 9 5 सा क्या होता है 45, यहाँ पे आ गया पॉइंट, यानी 4.5, ठीक है, अभी 3 को उधर ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0.5 y माइनस 4.5 प्लस 3, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.5 y और माइनस 4.5 माइनस 3 करने पे क्या आएगा 1.5, ओके माइनस 1.5 लिख देते हैं हम यहाँ पे माइनस 1.5, तो ये क्या हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0.5y माइनस 1.5 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अभी भी हमारे 4 क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चंस है बहुत ही आसान आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो या फिर 9 बोलो, 11 बोलो, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है, तो वो मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अगले वीडियो में हमारा ये जो एक्सरसाइज है ना 3.1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।